शिवपुरी जिला मुख्यालय से लगभग 40 किलोमीटर की दूरी पर पथरीगढ़ आता है, जिसे अब पारागढ़ के नाम से भी जाना जाता है, जहां 1100 साल प्राचीन शनिदेव का मंदिर है, जिसे राजा ज्वाला सिंह ने बनवाया था, जो कि आज के समय में भक्तों के लिए सच्ची श्रद्धा भाव का प्रतीक माना जाता है। लोगों का विश्वास है कि यहाँ शनिदेव उनकी सभी मनोकामनाएँ पूरी करते हैं। शनिवारी हरियाली अमावस्या का ऐसा संयोग 14 वर्ष बाद बना था, जिसमें शनि देव के मंदिर पर हजारों की संख्या में भक्तों की भीड़ उमड़ी एवं भक्तों ने शनि देव पर तेल प्रसाद आदि चढ़ाया। मंदिर के पुजारी ने बताया कि शनि देव भक्तों के कष्ट दूर करते हैं। पर यहाँ पे यहाँ के राजा कौन थे? राजा पथरीगढ़ के। अच्छा, ये कितनों वर्ष से पुराना है ये मंदिर? ज्वाला राजा उनका नाम था, ज्वाला सिंह, 200 साल पुरानी मूर्ति। अच्छा, और यहाँ की कोई विशेषता क्या है इस मंदिर की, जो प्राचीन इतना समय पुराना मंदिर है, इसकी कुछ विशेषता है? विशेषता ये वो शनिचर महाराज जो आते हैं तेल चला के मिट जाता है, कोई से भी कारण। यहाँ पर आए श्रद्धालु अपने काले वस्त्र एवं जूते चप्पल आदि यहीं छोड़कर जाते हैं, जिससे उनके कष्ट दूर होते हैं, इसलिए दूर दूर से लोग यहाँ दर्शन के लिए आते हैं। वहाँ पर आए भक्तों ने कहा कि मंदिर पर पीने के पानी की कोई व्यवस्था नहीं है और यहाँ का रास्ता भी ठीक नहीं है, पानी की बहुत समस्या है। कोई भी मीडिया वालों से अपील करते हैं, जो भी दर्शकों को जो पानी का ये कैटफॉर्म या बोर्ड लगवाने का कृपा करें। 1000 साल पुराना मंदिर है, जो आला उदल ने हमला किया था, राजा ज्वाला सिंह का मंदिर है जी। राजा ज्वाला सिंह का ज्वाला सिंह के समय से था, इसमें कोई वो नहीं है, परिवर्तन नहीं हुआ, इसको मंदिर बनवाने की दर्शकों से अपील है और जब पानी की व्यवस्था की जाए। प्रशासन भी इसके लिए कुछ नहीं करता। अब सवाल ये उठता है कि इस मंदिर की लोकप्रियता को देखते हुए भी सरकार श्रद्धालुओं और मंदिर की व्यवस्था के लिए कोई कदम क्यों नहीं उठाती है। बाकी खबरों के लिए देखते रहिए नवभारत टुडे।